23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने तीन कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे, और ECI ने जो डेट्स दिए हैं हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है, और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं, और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी, और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा, और हम पूरा तआवुन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा तआवुन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनाव में तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या है? देखिए हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है, वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज के पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है, अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे जहां जिस असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मर्तबा लड़ने जा रहे हैं, जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहां पर उनका विधायक MLA बनाएंगे। और तेलंगाना में आप 8 सीटों पे लड़ते रहे हैं, तो अब क्या 8 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि CM जो है फिर से रिपीट करेंगे, BRS की सरकार बनेगी, तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप BRS के पीटी हैं, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि आप हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताईद कर रहे थे तो इनको जब याद नहीं आया ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, MIM पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जब किरण कुमार रेड्डी अर्सवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था असेंबली में, MIM पार्टी के MLA इनका साथ दिए थे, प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं, अभी रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूंगा तो ये चलता है, इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की, इनका ये पॉलिटिकल एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों की। क्या इससे ज्यादा आप कितने सीट पे लड़ेंगे? अभी तो आज डेट्स आए मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर आपका नॉमिनेशन की डेट आएंगी, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इंतजार करिए आप। नहीं सर, आप भी कहते हैं कि MIM 24/7 और 12 महीना काम करती है, तो आप तैयारी तो हाँ तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, फैसला कब होगा? जब फैसला लेने का अभी तो टाइम है ना, अभी तो आप देखिए नोटिफिकेशन आएगा तेलंगाना का 3 नवम्बर को, फिर लास्ट डेट होगा 15 विड्रॉल, वो तो विड्रॉल नहीं, नॉमिनेशन का डेट आएगा ना। हाँ तो करेंगे, जल्दी क्या है आपको, इतनी फिक्र क्या है?
नहीं नहीं हम तो आपको आपको दो बातें असेंबली में कहा था नहीं नहीं आपको हम दो आपको हम दो अहम बातें तेलंगाना के बारे में बताए हैं। नंबर वन, जहां कहीं से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर चुके हैं, कर रहे हैं कि आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना के का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए और ये दोगले जो लोग हैं जो RSS से आकर BJP से आकर जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए।